हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो प्लीज बता दीजिए, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है सिर्फ एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश में आपके जितने भी पूरे बुक में जितने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर देने जाओगे 4 मार्च को, आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है 4 मार्च को, जब आप पेपर देने जाओगे तो आप देखोगे यार जो सर ने बताया था वही 100% आया है, क्योंकि ये आपके पेपर में 100% आएगा, ठीक है। पूरे बुक से मैंने आप लोगों के लिए जितने भी लॉन्ग एंड शॉर्ट लिए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई करना कि नोट्स बना लेना, लेकिन नहीं बना पा रहे हो तो आप रफ में अपना ऐसा से तेजी से, मतलब राइटिंग वाइटिंग मत देखना और लिख लेना, ठीक है। व्हाट वाज लैंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली वन होप, कहने का मतलब है जो लैंचो की समस्या क्या थी और उनकी जो आशा, मतलब ओनली वन यानी कि केवल एक आशा क्या थी, ठीक है। आप लोगों ने पहला चैप्टर अगर पढ़ा होगा, मतलब लैंचो का चैप्टर आप लोगों ने, ए लेटर टू गॉड, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस जानते होंगे जितने भी होंगे लैंचो से रिलेटेड, यानी कि ए लेटर टू गॉड चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। ये को इस चैप्टर से आपका एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट बिल्कुल फिक्स है कि आएगा तो आएगा, ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है, क्योंकि ये पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक आपका कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, उसमें जो पहला चैप्टर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई सा भी हो, ठीक है। उसमें से 100% आपके एक दो क्वेश्चन आना फिक्स होता है, ठीक है। तो देखो, द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स, ठीक है, जो रैन था वो, मतलब लैंचो को आपको पता होगा स्टोरी की वर्षा की जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी, ठीक है, हल्की फुल्की बारिश की, ताकि जो उनकी फसल है उसको हल्का फुल्का बौछार मिल जाए, ठीक है। बट हुआ क्या कि वो जो बारिश था वो तो पहले बौछार, मतलब हल्का फुल्की बारिश हो रही थी, फिर वो अचानक हेलस्टोन यानी कि बहुत तेजी से बारिश होने लगा और बड़े बड़े ओले गिरने लगे, ठीक है, एंड रियूंड लैंचोज फील्ड, और वो जो ओले थे वो लैंचो की फील्ड को बिल्कुल से बर्बाद कर दिए, मतलब जो लैंचो का खेत था वो बिल्कुल से रियूंड हो गया यानी कि खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। ऑफ राइपकॉर्न, जो उनके राइपकॉर्न पके हुए मकई की फसल थे, ठीक है। सो ही वाज सैड, इसलिए वो बहुत ज्यादा सैड था क्योंकि वो जो था वो उसी खेत पर निर्भर था, उसकी लाइफ उसी खेत से चलती थी, ठीक है। अब जब वो सब खराब हो गया तो बहुत ही ज्यादा वो निराश था, बहुत ज्यादा सैड था कि अब हम कैसे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया। तो उसकी जो, ये तो इनकी प्रॉब्लम्स थी, एंड हिज ओनली वन होप हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी जो एक ओनली वन होप था वो, उसकी एक जो आशा थी वो केवल था हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से हेल्प, भगवान से मतलब हेल्प मतलब सहायता, ठीक है। वो डायरेक्टली भगवान को ही पत्र लिख दिया था, मतलब भगवान में इतना ज़्यादा उसका फैथ था, इतना ज़्यादा उसको विश्वास था कि उसको लग रहा था, उसको 100% लग रहा था कि वो भगवान उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि भगवान ने ही हमारा फसल बर्बाद किया है, तो अब हम उनको लेटर, उनको डायरेक्टली पत्र लिखा, और फिर हुआ क्या, वो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो जानते होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो भाई फिर से आप दोबारा समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखो यहां ये भी हमारा लैंचो से ही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको दो क्वेश्चन तो समझा ही दूं शॉर्ट में, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग भी देखेंगे। व्हाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड एंड हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, मतलब लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, लैंचो ने भगवान को यानी कि डायरेक्टली पत्र क्यों लिखा, एंड हु रिसीव द लेटर, वो लेटर किसको रिसीव्ड हुआ, एंड व्हाट डिड हु, और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको क्या बताना है, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझा रहा हूं ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आए। देखो, द क्रॉप ऑफ लैंचो वाज कंप्लीटली डुइंड, मतलब जो लैंचो का फील्ड था, जो क्रॉप था, जो फसल था, वो कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से खराब हो गया था, क्यों, बाई हेलस्टोन्स यानी कि हेलस्टोन्स के द्वारा, ओलों के द्वारा, क्योंकि इतना ज्यादा ओले गिरे,
वो जो मकई का फसल था उस पे जो थे मतलब फूल लगे हुए थे, ठीक है, फल लगे हुए थे। अब वो जब इतने हैवी हैवी हेलस्टोन्स गिरे तो फिर वो सारे झड़ गए और उनका जो फल था वो पूरी तरह से नीचे बेकार हो गया और कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। और ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, और उसको विश्वास था, बिलीव्ड था कि उनकी जो सहायता भगवान करेंगे और भगवान से ही होगा ये, ठीक है। सो ही रोट हिम ए लेटर फॉर हेल्प, तो इसीलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर, और जो पोस्ट मास्टर था वो पत्र किसको रिसीव हुआ भाई, जब पोस्ट ऑफिस में आपने भेजा, ठीक है, डाला उसमें अपना लेटर, तो जो वहां का पोस्ट मास्टर था उसी को वो पत्र मिला, उसको वो पत्र रिसीव हुआ, ठीक है। भगवान को पत्र थोड़ी मिलेगा, आप भले इनका विश्वास बहुत ज्यादा था लेकिन भगवान को पत्र थोड़ी मिल जाएगा कि उनकी हेल्प करें, ठीक है। ही रीड इट, और उसने उसको पढ़ा। देन ही कलेक्टेड सम मनी, तो उसने कुछ पैसों की इकट्ठा किया, क्यों, क्योंकि ताकि भगवान से, गॉड से उनकी आशा जो है, उनका फैथ जो है वो ना टूटे, वो ऐसे ही बना रहे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब अपने से भी, मतलब खुद से भी पैसा इकट्ठा किया, अपने कर्मचारियों से कुछ कुछ पैसे लिए, एंड पुट इट एल्बम, और एक लिफाफे में रख दिया एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पर भेज दिया, ठीक है, लेंचो के एड्रेस पर भेज दिया ताकि लेंचो को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा कि इनको 100 पीसेज की जरूरत थी लेंचो को, और मिला कितना था, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं, उनको मिला था 70 पीसेज। कितना मिला था, क्योंकि वो जो था मतलब जो पोस्ट मास्टर थे वो सब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद केवल 70 पीसेज इकट्ठा कर पाए। अब देखो 70 पीसेज उनको लेंचो को मिला, बट वो 30 पीसेज नहीं मिला, तो लेंचो इतना ज्यादा गुस्सा हुआ, 30 जब उसको काउंटिंग किया तो जब उसको 30 पीसेज नहीं मिला तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि उसने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो सारे जो हैं वो धोखेबाज हैं, आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमारे पैसों को मत भेजना, और दोबारा पत्र लिखा था तब, और हमें डायरेक्टली भेज देना, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस वाले ने ही उनकी सहायता की और फिर उन्हीं को डांट भी मिला, तो कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, लेंचो की इतने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई थी, भले ही 30 पीसेज कम थे बट उसी में वो कंसेशन करके अपनी लाइफ जी सकते थे, दोबारा फसल को लगा सकते थे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भैया तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारा क्वेश्चन आज क्लियर करा देंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। देखो, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव्ड, लेंचो को कितने पैसों की जरूरत थी और लेंचो को कितना पैसेज मिला, ठीक है। अब चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े हो तो भाई आपकी गलती है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा था, आपके सर ने पढ़ा रखा था। देखो, लेंचो नीडेड 100 पीसेज, जो लेंचो की कितनी पैसेज की जरूरत थी, उनको 100 पीसेज की जरूरत थी, क्यों, क्योंकि उनको दोबारा फसल को लगाना था, जो फसल उनका बर्बाद हो गया था, क्योंकि उस फसल से तो उनको पैसे मिले नहीं थे, और एंटिल लाइफ यानी कि तब तक जीने के लिए उनको 100 पीसेज में उनका फसल भी लग जाता और उनकी परिवार भी, मतलब जो भी खाते पीते थे वो चलता, मतलब घर परिवार भी चलता, तो इसलिए उनको 100 पीसेज की जरूरत थी। टू सो हिज फील्ड अगेन, मतलब दोबारा अपनी फसल को बोने के लिए, एंड टू लिव एंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, और नेक्स्ट क्रॉप को आने तक, मतलब नई फसल को आने तक उनको जीवित रहने के लिए इतनी पीसेज की जरूरत थी, वरना वो भूख के मारे मर जाते, ठीक है। तो ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज, और उनको कितना रिसीव्ड हुआ, उनको ओनली 70 पीसेज ही रिसीव्ड हुआ, कितना 70 पीसेज ही रिसीव्ड हुआ, उनको जो आवश्यकता थी वो तो 100 पीसेज की थी, तो 100 पीसेस की आवश्यकता थी, बट सारे कर्मचारी, सारे पोस्ट ऑफिस के सारे लोग केवल 70 पीसेज ही इकट्ठा कर पाए, क्योंकि उनकी भी इतना ज़्यादा इनकम नहीं थी, उनकी भी इतना ज़्यादा सैलरी नहीं थी कि जितना चाहें उतना दे दें, बट हाँ, ट्राई किए कि वो हैप्पी रहें, खुश रहें, तो इसलिए इतने सारे पीसेज इकट्ठा कर पाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है कि लेंचो को कितनी पीसेज की जरूरत थी, तो याद रखना लेंचो को 100 पीसेज की जरूरत थी, और कितना रिसीव्ड हुआ, तो ओनली 70 पीसेज ही रिसीव्ड हुआ, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आता है, तो ये तैयार कर लेना, और ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, मतलब ऐसे में आपका 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। जब आप लॉन्ग शॉर्ट को तैयार करते हो तो ऐसे में आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाते हैं साथ में, और लॉन्ग शॉर्ट तो क्लियर ही हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, और जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक्स इन द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग हिज ओथ टॉकिंग स्पीच, मतलब कहने का मतलब क्या है कि व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक्स इन बिगिनिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ हिज ओथ टॉकिंग स्पीच। देखो कहने का मतलब है कि नेल्सन मंडेला ने ओथ का मतलब अपने शपथ ग्रहण भाषण के आरंभ में क्या वादे किए, प्रॉमिस का मतलब वादा करना, तो अपने शपथ ग्रहण में, मतलब
क्या वादे किए थे नेल्सन मंडेला ने, वो चीज आपको बताना है। तो देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आपको जो जो बता रहा हूं इंग्लिश का क्वेश्चन, वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों का नंबर बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, देखो आंसर आप समझो कि मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट। ठीक है, मंडेला ने थैंक्स किया, धन्यवाद दिया जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स थे और अपने गेस्ट को, एज ही कॉल्स इट एन ओजियन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस। ठीक है, ही प्रोमिस, उन्हें प्रोमिस किया डैट कि द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। ठीक है, तो उसने प्रॉमिस किया कि अब हमारा देश जो है किसी दूसरे का गुलाम नहीं रहेगा, मतलब अब किसी दूसरे, कोई दूसरा देश इन पर मतलब अत्याचार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो आपको वहां इंग्लिश में लिखना है जैसा ये लिखा हुआ है, तो ऐसे आपको लिखना है मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट एज ही कॉल्स इट एन ओरिजिन्स ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस ही प्रोमिस डेट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द वन ऑफ अनदर। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ दोस्त। देखो What is the greatest wealth of a nation? Mandela opinions. ठीक है, तो यहां क्या कहने का मतलब है, मंडेला की राय में किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, किसी देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो क्या है। ठीक है, तो देखो मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचती है डेट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपुल। मतलब जो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी संपत्ति है वो उस राष्ट्र के लोग हैं। ठीक है, पीपुल हैं, दे आर फिंगर एंड ट्रूथर देन द परफेक्ट डायमंड्स। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जनता जो चाहे, कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, जनता जो चाहे वो कर सकती है, जिसको चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट, कुछ भी बना सकती है, क्योंकि जनता के हाथ में ही सब कुछ है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझो, जो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यंग सीगल की जो फैमिली है उसकी पहली उड़ान पर कैसे जश्न मनाए। ठीक है, क्योंकि वो पहली उड़ान पर बहुत ज्यादा डर रहा था, तो पहली उड़ान पर किस तरह से जश्न मनाए वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, कि हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है पहली उड़ान। ठीक है, तो किस तरह से जश्न मनाएं ये आप लोग देखो। पहले द यंग सीगल वॉज अफ्राइड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो उड़ने से डर रहा था। ठीक है, मतलब डर रहा था। इवन द इंक्रीजमेंट एंड कोक्सिंग डिड नॉट वर्क। ठीक है, तो बट वेन द सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, जब उसने पहली उड़ान भरी और पहली उड़ान में सफल हुआ यंग सीगल, ठीक है, तो क्या हुआ, ही हैज वेल एज हिज फैमिली वॉज हैप्पी। तो उसकी जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसका जो मतलब बच्चा था, जो मतलब यंग सीगल था, वो अपनी पहली उड़ान भर लिया, तो उसके जो फैमिली थे वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे, एंड रियलाइज्ड एंड प्राउड ऑफ हिम, और उसके ऊपर गर्व कर रहे थे, प्राउड फील कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उनका जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कंप्लीट हुआ, और इस तरह से उनकी फैमिली ने जश्न मनाए, इस तरह से उनको प्राउड फील कराया, और इस तरह से यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। ठीक है, तो कितना आसान है, अगर आप चाहो तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बना बना के भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन कि आपको ना समझ में आए। ठीक है, देखो यंग सीगल का आप लोगों को समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग इसको नोट करो, आप ऐसा रफली ऐसे जल्दी जल्दी लिख के नोट कर लो, जब आप थोड़ा थोड़ा साथ में लिखते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, और वो चीज आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, और अभी भी इंग्लिश का जो पेपर है वो थोड़ा सा आपको टाइम है, अगर आप चाहो तो अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो, कोई भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो ज्यादा जरूरी है कि आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझो, इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप समझ गए तो वो चीज आप बोर्ड एग्जाम में तुरंत लिख दोगे। ठीक है,
सो आई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ हनी। तो मिस्टर किसिंग जो एनॉयड मतलब गुस्सा थे एनी से गुस्सा क्यों थे, ठीक है। एंड व्हाट डिड ही आस्क हर डू, और उसने उनको क्या मतलब करने के लिए दिया, ठीक है, समझ में आया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये आप लोग ध्यान से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मिस्टर किसिंग एनी से गुस्सा क्यों थे और जो एनी को क्या करने के लिए था मिस्टर किसिंग ने, तो मिस्टर किसिंग उनके टीचर थे। तो देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे गर्ल्स होते हैं, बहुत सारे बॉयज होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अगर स्कूल तो सारे बच्चे जाते होंगे, मैं भी जाता था, तो उनकी आदत होती है बात करना। टीचर कुछ भी पढ़ाए, कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए, बट उनका बात करना नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ऐसे में टीचर्स को गुस्सा आता है क्योंकि वो इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो, तुम बीच में बात कर रहे हो, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर ऐसा हुआ क्या, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विद एनी, जो मिस्टर किसिंग थे वो एनी से गुस्सा थे बिकॉज सी टॉक वेरी मच इन द क्लास। तो वो जो थी क्लास में बहुत ही ज्यादा बात करती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो बात करने का मतलब है, तो ही अरेंजिंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, इसलिए उन जो मिस्टर किसिंग थे उनको एक्स्ट्रा होमवर्क पर मतलब वर्क दिया, होमवर्क दिया। Asking her to write an essay, एक essay लिखने के लिए दिया on the subject chatterbox, यानी कि बातचीत पर, ठीक है, बातूनी जिसे कहते हैं, बातचीत पर एक essay लिखने को ले दिया, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, तो फिर क्या हुआ कि मिस्टर किसिंग उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से हुए, तो उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एक्स्ट्रा होमवर्क का मतलब उनको बातचीत, बातून जो बातचीत पर निबंध लिखने के लिए दे दिया, ठीक है। देखो मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक एक अक्षर बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वैसे आप डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश समझो कि मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विद हनी, ठीक है। एनॉयड का मतलब गुस्सा होना, तो बिकॉज क्योंकि सी टॉक वेरी मच इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ही अरेंज्ड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। आस्किंग हर टू राइट एन एस्से, एक एस्से लिखने के लिए किस पर, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटरबॉक्स, मतलब बातचीत पर एस्से लिखने के लिए दिया। बस कितना आसान है, देखो अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझ गए ना, तो वहां पेपर में छाप दोगे वैसे इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। तो ट्राई करो, अगर आपको थोड़ा सा टेंस कम आता है तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझो, क्योंकि हिंदी में तो आप वैसे भी आप पढ़ लोगे, बुक में सारा मीनिंग्स वगैरह दिया रहता है। वैसे भी मैं आपको हिंदी में समझा भी देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा एनी फ्रैंक से ही है। इसमें पूछ रहा है, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। तो कहने का मतलब है, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने पिता और दादी के बारे में क्या कहती है, ठीक है। देखो एनी फ्रैंक के पास एक डायरी था, ठीक है, वो उसका रियल फ्रेंड था, क्योंकि उसके पास और कोई फ्रेंड नहीं था, तो वो उसका रियल फ्रेंड था, और अपनी चीज़ों को अपने परिवार के बारे में उसमें लिखती थी, ठीक है। तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चैप्टर पढ़े होंगे तो सब कुछ पता होगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपको ना पता हो, ठीक है। तो एनी फेल्ट डेट हर फादर वॉज द मोस्ट एडरेबल फादर, बहुत ही ज़्यादा उनके अच्छे फादर थे। सी हैड एवर नोन, एनी हैड कन्फाइड इन हर डायरी डेट नो वन न्यू हाउ ऑफेंस सी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर फॉर डेथ एंड हाउ मच सी लव्ड हर। देखो मतलब एनी जो है वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं पता था कि उनके दादी जो थी ग्रैंड मदर, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, फिर भी वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, तो ऐसे में आपको समझ में आ गया, आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझो कि एनी फेल्ट डेट हर फादर वाज द मोस्ट एडरेबल फादर, शी हैड इवर नोन एनी हैड कन्फाइड इन हर डायरी डेट नो, किसी को नहीं पता था क्या, वन न्यू हाउ एफेंस सी थॉट ऑफ, कितना ज्यादा सोचती हैं अपने ग्रैंड मदर के बारे में, अपनी दादी के बारे में उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, और हाउ मच लव्ड हर, और वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं किसी को नहीं पता, वो अपनी डायरी में लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप लोग समझ लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आप लोग एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछ रहा है कि हाउ इज ए बेकर इंपॉर्टेंस ए पार्टी ऑफ फीस्ट इन गोवा, मतलब हाउ इज ए बेकर इंपॉर्टेंट फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट इन गोवा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो गोवा में पार्टी या दावत के लिए बेकर कैसे महत्वपूर्ण है, तो बेकर्स जो थे वो किसी, जो बेकर्स थे वहां के, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि उनकी जो चीज़ें थी वो बच्चों को, फादर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, हाउ इज ए बेकर इंपॉर्टेंस फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट इन गोवा। देखो, सबसे पहले देखो, ए बेकर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ए पार्टी ऑफ ए फीस्ट इन गोवा, ही, ठीक है, ही कैरियर्स द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द प्रोटीज ऑफ बेकिंग ब्रेड्स। ए बेकर्स केक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंस फॉर ब्लेज सेलिब्रेशन लाइक्स क्रिसमस। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके जो ब्रेड्स थे, बेकर्स के केक्स और ब्रेड्स थे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सेलिब्रेशन के लिए गोवा में। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश समझो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, बट आप ऐसे समझ लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, देखो, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गोट इन टू द बस। ठीक है, कहने का मतलब है, बस में चढ़ने के बाद बल्ली ने क्या किया, बस में चढ़ने के बाद बल्ली ने क्या किया। देखो, सी गोट इन टू द बस एंड लुक्ड एट एवरी थिंग वेरी थॉटली, मतलब वो जो वल्ली था वो उसमें चढ़ा बस में, तो वो हर एक चीज को देखता था। ठीक है, और देखती थी और वो क्या था, मतलब बहुत ही थॉटली, बहुत ही सोचती थी उन सब के बारे में। When she looked outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower parts of her window. ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, अभी मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन समझा रहा हूं, सॉल्व जितने भी हैं वो सारे समझ लो, और हम लोग अभी लॉन्ग भी समझेंगे। देखो, Where did Buddha teach his first sermon? ठीक है, बुद्धा के बारे में आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां कहने का मतलब है, जो मतलब बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहां पढ़ाया था, बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश है, फर्स्ट मतलब पहला, सर्मन मतलब उपदेश, टीच मतलब पढ़ाया। ठीक है, तो ए पॉपुलर सब्जेक्ट इन, ठीक है, मेडिवल बुद्धिस्ट आर इज द और इज द बुद्ध प्रीचिंग हिज फर्स्ट सर्मन इन ए डीड फॉरेस्ट। ठीक है, एट सारनाथ नॉर्थ ऑफ बुद्धगया वेयर ही हैड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, इनलाइटमेंट सम वीक्स पीरियड्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखो, अब मैं आप लोगों को, ये सारा सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेना, जो आपको ना समझ में आए, मान लो थोड़े से हार्ड हैं, जो चीज आपको वर्ड्स थोड़े से हार्ड लग रहे हो, तो थोड़ा सा आप उसको समझ लेना। ठीक है, तो ये हमारा है 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे क्वेश्चन समझने हैं, सॉल्व क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सारा ही समझ कर बोर्ड एग्जाम में जाना है। देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास उतना समय नहीं है कि आप पूरा अच्छे से समझो और फिर चैप्टर्स को समझो, इतना आपके पास अब समय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सको। लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर हम लोग आते हैं। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को जितना बता रहा हूं उतना आप तैयार कर लेना। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये सारे प्रोज के हैं, ध्यान रखना, प्रोज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रोज के, तो जो जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं वो सारा अच्छे से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो, पहला क्वेश्चन, हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में वही चीज आता है, सॉल्व वाला ही, बट थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दे देता है। एंड व्हाई डिड ही राइट ए लेटर फॉर गॉड, यानी कि लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, हु रिसीव्ड द लेटर, वो पत्र जो है किसको रिसीव्ड हुआ, किसको मिला, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसके बाद क्या हुआ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूं वो सारा तैयार कर लेना, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लो भाई, लैंचो के बारे में, लैंचो के बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा। दूसरा है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, लैंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है, जो लैंचो था, लैंचो का चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्केच के मतलब है पूरी लाइफ,
ठीक है, जो लाइफ में उसके हुआ वो सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन, ये सारा आप देखो कितना क्वेश्चन आपको आता है, मतलब जो मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूं, जो आपको नहीं आता मान लो आपको प्रॉब्लम है उसमें, तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अलग से बता दूंगा। ठीक है, आप लोग को कमेंट कर देना बस, तो कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन अलग से करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला था वो कौन थे, नेल्सन मंडेला कौन थे, एंड व्हाट आइडियल्स यानी कि व्हाट आइडियल डिड ही सेट्स आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इन हिज इनग्रेशन स्पीच। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे थे, मतलब उन्होंने अपनी जो स्पीच दिया था, जो इनग्रेशन उद्घाटन के समय स्पीच दिया था, उन्होंने क्या भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के बारे में क्या क्या बताया। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला को अपने जो अपने लोगों के स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब नेल्सन मंडेला को अपने देश के लोगों को, अपने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस किस डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो अभी इसमें ऐसा नहीं है, आपने चैप्टर पढ़ा है बना बना, देखो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि आप उसको बना बना कर लिख देना, बना बना कर आप थोड़ा सा गलत सही भी लिखोगे, उस चैप्टर से रिलेटेड हो सब कुछ मिलेगा, बहुत नंबर मिलेगा। ठीक है, टेंशन मत लेना कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, ओके, इन सब बात का टेंशन नहीं लेना है, बस आप लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो डिस्क्राइब करना है आपको, जो यंग सीगल था उन्होंने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी, किस तरह से भरी, वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यंग सीगल का। ठीक है, यंग सीगल का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा कंप्लीट ही करना पड़ेगा, कि व्हाई डिड द ऑथर थिंक्स दैट ही ऑथ टू गो बैक टू पेरिस, व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू। तो कहने का मतलब है लेखक ने क्यों सोचा कि उसे पेरिस वापस चला जाना चाहिए, लेखक ने क्यों सोचा, ब्लैक एरोप्लेन से है द ब्लैक एरोप्लेन, तो लेखक ने क्यों सोचा कि उसे पेरिस वापस चला जाना चाहिए, और उसने क्या करने का निश्चय किया, उसने क्या करने का निश्चय किया, व्हाट डिसाइड डू, किस क्या करने का निश्चय किया। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, गिव ए कैरेक्टर स्केच, यानी कि गिव द ब्रीड कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिखना है, जो एनी फ्रैंक है उनका जो चरित्र चित्रण है लाइफ के बारे में, जो जो इस चैप्टर में बताया गया उसको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको भाई कंप्लीट ही करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ज्यादा नहीं है, बस अगर आप 10 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोज में तैयार कर लेते हो, 10 लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपका प्रोज में कोई भी टेंशन नहीं रह जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें से आप 10 तैयार कर लो। व्हाट आर द वेरियस लीगेंड्स अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ टी एज डिस्क्राइब्ड इन लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मतलब यहां बताना है कि चाय की खोज के लिए जो उनके लीगेंड्स वराइटीज थे उसके बारे में बताना है। ठीक है, जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हाउ डिड बल्ली प्लान हर बस राइड, बल्ली ने अपना बस राइड्स का प्लान कैसे किया, एंड व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सेव द फेयर, और उसने कैसे सारी चीजों को इकट्ठा किया। ठीक है, ठीक है, और उसने बस राइड्स के लिए कैसे किराए इकट्ठा किए, ये आपको बताना है। ओके, 10 यानी कि लॉन्ग हमारा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ नताइला का कैरेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा है शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश का और लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग अगर आपने तैयार कर लिया, जो जो मैंने बताया शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो आप लोगों का बहुत सारा कुछ तैयार हो गया समझो। ठीक है, तो आज का ये हमारा इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।